हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो जब आप ठंडा ठंडा पानी निकालते हो फ्रीज में से और ग्लास में डालते हो, तो कभी आपने नोटिस किया है आपके ग्लास के जो आउटर लेयर है उस पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? अरे बाप रे, कहीं हमारा ग्लास फूटा हुआ तो नहीं है, लीक तो नहीं हो रहा? जी नहीं, हमारा ग्लास बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है। या फिर विंटर सीजन में जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो आपने कभी नोटिस किया है ग्रास पे, लीव्स पे, फ्लावर्स पे वो क्यूट से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? या फिर आपने कभी नोटिस किया है जब आप गोवा जाते हो या कोस्टल एरिया जाते हो, तो आपको बहुत चिपचिप होता है फेस पे गर्मियों में जब आप जाते हो स्पेशली, तो वो चिपचिप वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर में ओजोन और सारी गैसेस होती है और होता है वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर एयर में कहाँ से आया? एयर में आता है ये वाटर वेपर इवोपरेशन की वजह से। हमारी जो अर्थ है वो 71% वाटर से कवर्ड है, ठीक है, और ये वाटर कंटिन्यूसली इवोपरेट होते रहता है। तो जब ये इवोपरेट होता है, गैस बनता है, तो ये गैस बन के हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, मतलब हमारी एयर में मिक्स हो जाता है। अब ये वाटर वेपर जो एयर में मिक्स हो गया है, इसको हम बोलेंगे मॉइस्चर। और एयर में कितना मॉइस्चर है उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। मतलब अगर एयर में ज़्यादा वाटर वेपर है यानी ज़्यादा मॉइस्चर है यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि एयर में गीलापन है, मॉइस्चर है यानी गीलापन है। तो ये गीलापन हमें हमेशा क्यों नहीं महसूस होता है? जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है जब तो वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं दिखते हैं ग्लास के ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो हमें ऐसे चिपचिप नहीं होता है फेस के ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब टेम्परेचर से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। जी हाँ, जब अगर आप एयर का टेम्परेचर इनक्रीज़ करते हो, तो उसके जो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, एयर में होल्ड करने की, एब्जॉर्ब नहीं होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? जैसे आप एक कप वाटर लो या एक कप मिल्क लो, एक कप मिल्क में आप एक कप गुड़ डालो तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। यही मिल्क आप गैस पे रखो और फिर उसको शुगर डालो तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जब आपने मिल्क को गैस पे रखा तो मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो अब उसमें शुगर ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आप कोल्ड मिल्क में डिसॉल्व करोगे। वैसे ही जब एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर हाई होता है एयर का, तो उसमें जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट आता है कि बस अभी और मॉइस्चर नहीं चाहिए, तो वो पॉइंट को व्हेन द एयर कैनॉट होल्ड मोर मॉइस्चर, व्हेन एयर इज़ फुल विथ मॉइस्चर, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated. मतलब अब और ज़्यादा water vapor उसमें नहीं आ सकते। तो फिर unsaturated air का मतलब क्या होगा? ऐसी air जिसमें अभी moisture full नहीं हुआ है, अभी उसमें और moisture आ सकता है, such air is called unsaturated air. मतलब ऐसी air जिसमें अभी आप और moisture डाल सकते हो, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब समझ गया। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट, जो हमारा टॉपिक है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ड्यू बनती है, ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं, ठीक है। अब वो टेम्परेचर कैसे आया, कहाँ से आया, देखें। सपोज़ आपके पास ये इतनी एयर है, ठीक है, और इसमें ये इतना वाटर वेपर है, तो अभी तो अनसैचुरेटेड एयर है। क्यों? क्योंकि एयर पूरी मॉइस्चर से भरी हुई नहीं है, इसके लिए वो अनसैचुरेटेड है। तो अभी इसमें से ड्यू ड्रॉप नहीं बनेंगे, ये वाटर वेपर कंडेंस नहीं होंगे। तो अब आप क्या करो, इसका टेम्परेचर कम करो। अब आप सोचोगे, टीचर आपने टेम्परेचर तो कम नहीं किया, आपने तो बॉटल ही छोटी कर दी। तो ये बॉटल यहाँ पे हमें एयर होल्डिंग कैपेसिटी बता रही है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, इसके लिए हमने बॉटल को छोटा कर दिया। तो अब आप टेम्परेचर
कम कर दो। जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो अब वो जो एयर है वो सैचुरेटेड हो गई, ठीक है, तो अब उसके अंदर जो वाटर वेपर थे वो क्या बनने लगेंगे, ड्यू ड्रॉप्स बनने लगेंगे। तो वो जो टेम्परेचर आपने कम किया, कितना कम किया, सपोज आपने 20 डिग्री किया, तो ये जो 20 डिग्री टेम्परेचर है वो क्या है, ड्यू पॉइंट, मतलब ऐसा टेम्परेचर, पॉइंट यानी टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर सेंटेंस कैसे आएगा, सपोज अनसेचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, मतलब जो हमने बड़ा वाला जार लिया था वो, एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, फिर हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो वो जार छोटा हो गया, ठीक है। अ टेम्परेचर इज रीच एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड, मतलब पूरा जो जार है, पूरी जो एयर है वो वाटर वेपर से भर गई, एयर बिकम सेचुरेटेड विथ वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक का दूसरा पार्ट, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है ये हमने स्टार्टिंग में समझ लिया, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन द एयर या वाटर वेपर इन द एयर। अभी इसको मेजर कैसे करना है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कम है, ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में मतलब अभी आपके पास जितनी एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है, तो एयर को आप मेजर करोगे मीटर क्यूब में, क्योंकि एयर एरिया कवर करती है ना, तो इसको हम कितना मीटर एरिया एयर ने कवर किया तो मीटर क्यूब में, और मॉइस्चर को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसका सेंटेंस क्या है, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और वो क्या है, द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। सपोज आप यहाँ पे ग्रास में खड़े हैं, वहाँ का आपने 1 मीटर क्यूब का एरिया एयर का लिया और उसमें 6 ड्रॉप है वाटर मॉलिक्यूल में के, और उसका वेट है 500 ग्राम, तो अभी यहाँ की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 0.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर टू मेक एयर सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, ये हमारा एयर है अभी जिसपे नंबर ऑफ वाटर कितना है, 6 है, सपोज 6 वाटर है, तो ये सैचुरेटेड नहीं है, हमें सैचुरेशन के लिए लगेगा 12। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशो निकालना है, जो 12 वाला है, जो सैचुरेटेड वाला है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और जो हमारे पास एक्चुअल है वो न्यूमरेटर में रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो फिर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज़ लाइक परसेंटेज, ये मतलब 100 में से 35 रहना चाहिए, लेकिन अभी आपके पास कितना है, आपको कितना मिला है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसका फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100%, मतलब जो ड्यू पॉइंट होता है वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है, अपने आप 100% हो जाती है। जब हम ड्यू पॉइंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ड्यू पॉइंट कब आता है, जब एयर सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि सैचुरेटेड पॉइंट कितना है और अभी एक्चुअल में कितना है, तो जब एक्चुअल में भी सैचुरेशन के जितना ही हो जाएगा, ड्यू पॉइंट में सैचुरेशन के जितना ही हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100%, मतलब ड्यू पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, क्योंकि सैचुरेटेड के लिए भी उतना ही चाहिए और ड्यू पॉइंट जब आता है तब भी वो जो एयर है वो सैचुरेटेड हो जाती है, इसके लिए जो ह्यूमिडिटी है वो रिलेटिव ड्यू पॉइंट पे 100% हो जाती है। अगर इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60% तो हमें एयर ह्यूमिड लगती है, मतलब 50% से ज़्यादा है, तो हमें वो एयर कैसी लगती है, ऐसे चिपचिप वाली लगती है, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है तो हमें फिर वो एयर कैसी लगती है, ड्राई लगती है। तो अब आपको समझ में आया, आपके वो जो ठंडा ठंडा पानी ग्लास का निकाला था उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में ही थे, जब अंदर के ग्लास का पानी ठंडा था तो उसकी वजह से बाहर की जो एयर है वो भी ठंडी हो गई, तो जब एयर ठंडी हुई तो उसके अंदर जो वाटर वेपर था वो कूल हो गया और वो ड्रॉपलेट्स बन गए।
ठीक है, और वो जो एरोप्लेन जाता है तो एरोप्लेन के पीछे जो क्लाउड बनता है विंटर सीजन में, वो कहाँ से आता है? वो भी एरोप्लेन में से जो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, उसमें जो वाटर वेपर रहते हैं, वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, और वो कंडेंस होके कैसे दिखते हैं? क्लाउड के जैसे दिखते हैं। तो अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटीज है, वो क्लाउड ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड किससे बने हुए? मॉइस्चर से। और अगर मॉइस्चर ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये वाले मॉइस्चर को ख़त्म होने में टाइम लगेगा। सो हियर वी फिनिश अवर टॉपिक।